मैं नीतू, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए आगे की खबरों से रूबरू होते हैं। वाराणसी जिले के मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत लालपुर चट्टी पर थाना प्रभारी निरीक्षक वैभव सिंह तथा उनकी पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान आगरा से वाराणसी जा रही फोर व्हीलर गाड़ी में 65 पैकेट चांदी तथा 150 किलो वजन के साथ पकड़ा गया। चालक का नाम धीरज सिंह तथा दिनेश सिंह, दो व्यक्ति आगरा से वाराणसी के लिए प्रीति व ज्वेलर्स वाराणसी में डिलीवरी के लिए जा रहे थे, जिसमें थाना प्रभारी निरीक्षक ने इनकम टैक्स ऑफिसर को बुलाकर उनके बिल को जांच किया तथा इनकम टैक्स ऑफिसर ने बिल को जांच कर बताया कि यह लीगल है, जिसमें पुलिस ने जांच पड़ताल कर उसे छोड़ दिया। वाराणसी से हमारे संवाददाता बड़ेलाल शुक्ला की रिपोर्ट। ठीक है, बना ली करे बार फिर तब बाइट ली। कहाँ से पकड़ूं? दरवाजा से आ रहा है, ये जाएगा प्रीति ज्वेलर यूनिट ऑफ धमन ज्वेलर प्राइवेट लिमिटेड सूर्यवार। प्रीति ज्वेलर, आप मन जी आगरा से वाराणसी, आगरा से वाराणसी। क्या नाम है आप लोग? गोवा के। क्या नाम है आपका? दिनेश, गणेश सिंह। बिहार के कटिहार प्रखंड के कोटाव खास गांव में दुर्गा मंदिर प्रांगण में मंच का उद्घाटन कटिया के थाना प्रभारी अश्वनी कुमार तिवारी ने किया, जहां यज्ञ समिति के अध्यक्ष रमाशंकर राय, शिक्षक नेता विश्व रंजन स्वरूप पाठक, राजेश सिंह, जितेंद्र गुप्ता आदि मौजूद थे। बिहार से हमारे संवाददाता कृष्ण राजन स्वरूप पाठक की। कीरति कली तदित सियपी कीरति कली तदित सियपी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुकसन कादि शेष
शारद सुख सनगादि शेष अनुसारद बरनी पवन सुत कीरति नीकी बरनी पवन सुत कीरति नीकी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी के गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस छो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस कारयंस सम्मत सबई की सारयंस सम्मत सबई के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी के गावत संतत यहाँ लेते हैं एक छोटा सा विराम। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। जौनपुर के जलालपुर क्षेत्र से शिव कुमारी विद्यालय के विद्यार्थियों के स्कूल टूर के लिए ले जाया गया, जहां हर साल की भांति बच्चों को ज्ञान विज्ञान की बातों को लेकर वार्ता किया गया। जौनपुर से हमारे संवाददाता विनय गुप्ता की रिपोर्ट। शिव कुमारी संस्थान में जमा कराए बच्चे हैं, आइए जाना चाहेंगे, जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। आपका नाम? जी अशोक कुमार पाठक। अरे इसमें ये बच्चे कहाँ के हैं? शिव कुमारी शिक्षा संस्थान मझगवा कला जौनपुर के हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग सर जी? जी सारनाथ जा रहे हैं बच्चों को लेकर टूर पे। टूर जा रहे हैं, हर साल जाते हैं? जी जी हर साल जाते हैं। अच्छा कहाँ कहाँ इसके पहले और गए थे? इसके पहले अष्टभुजी काली खो सीतामढ़ी विंडम फॉल सिर्सी डायमंड बच्चों को लेकर जाते हैं। अच्छा कितने बच्चे होंगे कुल इस समय? टोटल 51 के पास। आप भी टूर जा रहे हैं सर? जी सर। शुभ नाम? संदीप कन्नौ जी है। आप भी टूर जा रहे हैं? हाँ सर। क्या नाम सर? सुनील कुमार। धन्यवाद। अभी देखिए सब बच्चे जो है कि टूर पे जा रहे हैं, ये यात्रा वाराणसी सारनाथ की तरफ हो रही है, मझगवा कला जौनपुर से शिव कुमार संस्थान से। अभी अशोक पाठक जी बता रहे थे कि ये सब 51 बच्चे हैं, सब जा रहे हैं। सबसे बड़ा उत्साह है, खाने जा रहे हैं कि कैसे बोला डोला जा सकता है या अपना शहर क्या है। अलीगढ़ के थाना क्षेत्र गभाना में जो हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, उसमें ग्राम दोराऊं के जवान भाइयों व राष्ट्रीय गौर रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास दिखाया, जिसमें मानवेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह व राष्ट्रीय गौर रक्षा वाहिनी के जिला मंडल मंत्री दीपांशु महेश्वरी, उपाध्यक्ष अनुज सिंह, उपाध्यक्ष दुष्यंत सिंह आदि उपस्थित रहे। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता कृष्ण प्रताप सिंह की रिपोर्ट। यह किस प्रकार किया जा रहा है? आपका क्या नाम? मेरा नाम मानवेंद्र है जी। मैं गांव दौरों का निवासी हूँ और मेरे साथ जो ये पूरे गांव वासी हैं, जो बहुत ही हर्षोल्लास में ये रैली निकाल रहे हैं। ये रैली पाकिस्तान में मारे गए 350 आतंकवादियों की, जो भारत का बदला पूरा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में निकाली जा रही है जी। और आगे चलते हैं जी। भैया आप बताइए। मैं राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी से मंडल मंत्री दीपांशु महेश्वरी। मैं जो मेरे वहाँ है वो पाकिस्तान में घुसकर उन्होंने मारा है, मैं उनका बहुत ज्यादा अभिनंदन करता हूँ। और मैं पाकिस्तान को ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ अगर भारत के ऊपर कोई भी हमला करता है, एक चुन चुन के मारेंगे, एक एक घर में घुस के मारेंगे सभी को हम। जी भैया आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अनुज ठाकुर, राष्ट्रीय गौर रक्षा वाहिनी से जिला उपाध्यक्ष जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जो भारतीयों ने हमारे जवानों ने हमला किया है, 400 की जगह अगर 40,000 भी होते तो हमको बहुत खुशी होती, बहुत हर्षोल्लास होता। जी अंकल आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? इसका हम जो हमारे आदमी मारे गए हैं, उसका हम बदला लेना चाहते हैं।
जी, और बदला लिया नहीं है हमारी सेना ने, आप क्या कहना चाहते हो, क्या आपको खुशी है? और मैं इससे ज्यादा भी और है ना, उससे और हम खुशी हैं जी। और हम अपने नौजवान भाइयों से पूछने जा रहे हैं कि क्या कहते, क्या बात है जी भैया, बताइए आपको खुशी है या नहीं है? बहुत ज्यादा खुशी है हमें इसके लिए कि हमारी सेना ने, वायुसेना ने बदला लिया, इसके लिए बहुत ज्यादा खुशी है जी। नारे लो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी, राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, भारत माता की, भारत माता की। जौनपुर के जलालपुर के मध्यगांवा के हाई स्कूल में हमारे हिंदुस्तान के अमर शहीदों के याद में स्कूल के छात्रा ने गाया गीत। अपने गीतों के माध्यम से पूरे देश के तरफ से शहीदों को दिया श्रद्धांजलि। जौनपुर से हमारे संवाददाता विनय गुप्ता की ये रिपोर्ट। Thank you.
सिलसिला लगातार ऐसा ही बना रहेगा। बने रहिए आप फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।